ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कोई भी देखे सफेद वस्त्र धारे, अगर कचहरी में भी खड़ा होगा बैर लगा के कोर्ट में, तो पूछेंगे आप कोर्ट में किस लिए आए। कोई साधु खड़ा होगा, बीड़ी पीने वाला कोई भी खड़ा, उसको नहीं पूछेंगे आप कोर्ट में। ब्रह्मा कुमार से जरूर पूछेंगे, अरे आप कोर्ट में। अच्छा, अगर कोई सिनेमा घर के बाहर कोई ब्याज लगा के टिकट टिकट लेने खड़ा होगा, और जितने वक्त खड़े हो कोई नहीं पूछेगा आप क्यों खड़े, आपसे पूछेगा आप यहाँ। अच्छा, अगर आप गोलगप्पे की दुकान पे खड़े हो जाए तो वो कहेंगे आप गोलगप्पे। आप सोचो कि आप में कितनी शक्ति है कि बाबा ने हर जगह आपके सिक्योरिटी गार्ड रखे। इसलिए लेकिन बाबा कहते हैं अगर डबल संस्कार रखोगे, दोनों हाथ में लड्डू लुपे ऐसे होते हैं, कभी कभी आते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे हम बड़े पक्के स्टूडेंट हैं, तो क्या करते हैं दो ड्रेस रखते हैं, सेंटर में ये वाली और बाहर दूसरी वाली। गोलगप्पे खाने होंगे तो बैज उतार के जेब में रख लेंगे, रंगदार कपड़े। तो बाबा ऐसे लोगों को बता रहे अगर दौर का राज्य चलता है ना, वो ज्ञान को छोड़ सकते हैं ना दुनिया को छोड़ सकते, बुरा तो खींचाता है। तो एक राज्य के संस्कार का प्रेम, क्योंकि भविष्य की विशेषता है एक राज्य और एक धर्म। अब बाबा धर्म पर आए तो जब वहां एक राज्य एक धर्म एक भाषा, तो बाबा दो बातें इसमें करें। अब बाबा कहते धर्म कौन सा, एक धर्म गीता में भी लिखा होगा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब कई लोग गीता पाठी बताए यही सोचते रहते कि धर्म तो अच्छी चीज है, फिर भगवान क्यों कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो फिर मेरी शरण में आओ, तो सब धर्मों को छोड़ देंगे तो कोई दूसरा धर्म होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म कौन सा। अब हमारा एक ही धर्म है जिसको कहा जाता है धर्म पढ़िए धर्म ना छोड़िए, ठीक है, प्राण जाए और वचन न जाए। तो बाबा कहते हैं हमारा धर्म हमारा मुख्य वरदान है बाबा का पवित्र भव। बाबा ने हमें क्या वरदान दिया, जन्म मेरे पवित्र भव, अर्थात मैं तुमको आज वरदान दे रहा हूं आज से तुम पवित्र हो। अब वरदान को स्वीकार करना पालन करना हमारा काम। तो बाबा कहते हैं आपकी विशेष धारणा यानी धर्म कौन सा है, संपूर्ण पवित्र। पवित्रता तो कॉमन है, पवित्रता तो त्रेता वालों में भी होती है नहीं, तो चेक करो कि एक धर्म है या उसमें भी दूसरा धर्म इंटरफेयर कर। तो बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता, दखल अंदाजी तो नहीं करता। दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब करे तो बुरा मानते हैं, या थोड़ा अलबेले हो जाते हैं कि चलो हम काम भी करते हैं दूसरा डिस्टर्ब भी करता है, उससे पूरी प्राप्ति नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं।